नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका गुरु आपका टीचर आपका मेंटर और आशीर्वाद दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे मेरी आवाज़ और विजुअल्स आप तक तो पहुंच रहे हैं दोस्तों अगर पहुंच रहे हैं तो एक बटन दबाइए मानो पड़ जाए हम जुड़ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ठीक है हमारे बीच बाईस मार्च की तारीख है समय हो रहा है तीन बज के मिनट का और हम जुड़ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर फटाफट बताइए दोस्तों सब कुछ ठीक है हमारे बीच संपर्क हो चुका है ठीक है ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा है सर ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा है सब कुछ ठीक है सर चलिए ओके okay, दोस्तों स्टार्ट करेंगे हम लोग फटाफट सेशन को अपने सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा जरूरी मैं आपको दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं आ, कल अपनी एक क्लास हुआ था सुबह 11 12 थर्टी पर अपने बात की थी उस बारे में और क्लास हुई थी कहाँ पर सर ऐप के ऊपर और टॉपिक था अर्थ साइंस का अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो जाके जरूर देख लीजिएगा दोस्तों वहाँ पर अर्थ साइंस पर वो क्लास अर्थ साइंस का क्लास जिसमें मैंने बात की है बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों साइंस टेक एन्वायरमेंट और आपके जोग्राफी के लिए मिक्स टॉपिक है दोस्तों तो बहुत अच्छा टॉपिक है अगर नहीं किया है, जाके जरूर कर लीजिएगा यू क्वेश्चन हर बार पूछता है इस बार ही बात करेगा तो अर्थ साइंस का टॉपिक हमने कल किया था ऐप के ऊपर अभी रखा होगा दोस्तों जाके सर्च करेंगे अर्थ साइंस बाय आशीर्वाद से तो आपको क्लास मिल जाएगा दोस्तों माफ़ कीजिएगा इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा बाकी अपना 7:45 पीएम पर जैसा कि डेली होता है एमसीक्यू आज भी होगा करंट अफेयर्स का और 10 पीएम पर अपना करंट अफेयर्स का सेशन होगा दोस्तों आज 22 मार्च का ठीक है ना तो करंट अफेयर्स शाम में दोनों चीज़ होंगी आपकी ऐप आप के ऊपर और सुबह नौ बजे आप मेरे संग देख चुके हैं एडिटोरियल नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पर आपका एडिटोरियल भी चलता रहता है दोस्तों ठीक है इसके अलावा दोस्तों आप जोड़ सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के साथ तो टेस्ट सीरीज़ हमारे पास चल रही है पाथ फाइंडर हो या हमारी इम्पल्स हो या राइस टेस्ट सीरीज़ दोस्तों तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन कीजिए यहाँ फ्री टेस्ट सीरीज दोस्तों और फ्री टेस्ट सीरीज जॉइन कर सकते हैं इसके अलावा कॉम्बैक्ट अपना संडे के संडे होता है दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कॉम्बैक्ट अपना संडे के संडे कॉम्बैक्ट होता है यहाँ भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों और कॉम्बैक्ट अगली बार नेक्स्ट संडे होगा सुबह ग्यारह बजे जरूर जुड़िए स्कॉलरशिप जीतने का मौका होता है दोस्तों आपके पास यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे साथ आप लोग बाकी इसके अलावा दोस्तों टेस्ट सीरीज़ हैं बताए मैंने आपको पाथफाइंडर एम्पल्स और रिच राइस नाम की हमारी टेस्टीज दोस्तों पाथफाइंडर एम्पल्स या राइज जोड़ सकते हैं तीनों में इससे आपके साथ इसके अलावा दोस्तों आप हमारे प्लस कोर्स पे आ सकते हैं प्लस कोर्स की बता दूं मैं दोस्तों आ, मेरा जो प्लस कोर्स आने वाला है आपके लिए वो आ रहा है तेईस मार्च से दोस्तों तेईस मार्च से शाम आठ बजे जी हाँ क्लाइमेट चेंज पर हम बात करेंगे आपके साथ क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट तेईस मार्च से शाम आठ बजे कल शाम आठ बजे आपका प्लस कोर्स हो रहा है क्लाइमेट चेंज एंड वेस्ट मैनेजमेंट का दोस्तों ज्वाइन करने के लिए क्या करना है यह हमारे बाकी जो कोर्स चल रहे हैं प्लस पर एक ही कोड यूज़ करना है दोस्तों आपको जिससे आपको फीस में डिस्काउंट मिल सके या आप टेस्टी ज्वाइन करना चाहें कॉम्बैक्ट ज्वाइन करना चाहें कुछ भी आपको ज्वाइन करना है या इवन इवन मेरी क्लास देखनी है आपको ऐप पर करंट अफेयर्स की या अन्य क्लासेस देखनी है दोस्तों तो आप यूज़ कीजिए आशीर्वाद टेन कोड और जुड़ जाइए हमारे उस कोर्स के साथ कई कोर्स जो फ्री हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कोर्ट का आवश्यकता पड़ेगी और जो कोर्ट पेमेंट हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेन परसेंट का डिस्काउंट दोस्तों इसमें तो ये तो हुई चर्चा दोस्तों अन अकेडमी के अपने 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 जो शो चल रहे हैं उसके बारे में आइए बात करते हैं अपने टॉपिक पर इकोनॉमी के आगाज़ का आगाज़ करें फिर से हम लोग दोस्तों तो आज के आगाज़ में क्या है सर आज के आगाज़ में हम बात करनी दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे की हम चर्चा कर रहे थे फ्राइडे इवनिंग को अपन फ्राइडे को हम बात कर रहे थे तो पहला पार्ट हो गया था पार्ट टू की बात करें उसके आज के लेक्चर की उम्मीद कर हूं पहला पार्ट आपको में आ गया होगा वहां कोई इशू नहीं होगा हमारे साथ सर वहां पर कोई इशू नहीं होगा ठीक है चलिए सर ठीक है ठीक है दोस्तों चलो तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन हम लोग आपके साथ ओके लास्ट टाइम बात कर रहे थे कि हमने जो टॉपिक उठ लिया था आपके साथ इकोनॉमिक सर्वे का जो अंतिम टॉपिक में चर्चा कर रहा था आपसे कि हमने चर्चा की थी देश में जो उत्पादन होता है प्रोडक्शन होता है कौन से राज्य में कितना हो रहा है इसका हमने चार्ट बनाया था आपके साथ उम्मीद कर रहा हूँ इस चार्ट को आपने देख लिया होगा नोट कर लिया होगा इसके बाद हम लोग कर चुके हैं दोस्तों किस फसल का उत्पादन कहाँ होता है इसकी हम चर्चा पिछली बार कर चुके हैं फिर हमने देखा था पर कैपिटा उपलब्धता कितनी है चावल की उपलब्धता कितनी है गेहूं की उपलब्धता कितनी है दोस्तों यहाँ बात कर चुके हैं आपके साथ फिर मैं देखा था देश में चीनी की मात्रा कितनी इसकी बात हो चुकी थी चलिए आ जाइए तो बात करते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक में उठाऊंगा यहाँ पर आपके साथ जो है आपका एक्सपोर्ट को लेकर जी हाँ एक्सपोर्ट को लेकर मुझे बात करनी है आइएरा इसको देख लेते हैं इनपॉर्न चीज़ें ये भी काफ़ी फिर हम इसको ख़त्म करके आगे बढ़ जाएंगे देखिए दोस्तों ये चार्ट क्या दिखा रहा है दोस्तों ये चार्ट आपको दिखा रहे हैं? दो मिनट सुन लीजिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नाकाम आएगी आपके लिए फैक्चुअल इफॉर्मेशन दोस्तों देख लीजिए देखिए मुख्य निर्यातों का हिस्सा समझिए क्या है ये देश का मान लीजिए टोटल निर्यात टोटल एक्सपोर्ट मान लेते हैं हम लोग मानने हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट मान लेते हैं बहुत चीजों को मान लेते हैं सौ अरब डॉलर का है ठीक है 100 बिलियन डॉलर का हम लोग टोटल एक्सपोर्ट करते हैं देश से कुल निर्यात करते हैं सर कोई समस्या नहीं है इसमें से हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं सर कुछ सामान सर कृषि के हैं और कुछ सामान कृषि के साथ पशुपालन के एनिमल हस्बेंड्री के हैं सर लेव स्टॉक पशुपालन के यानी कृषि और संबंधित गतिविधियों के सामान है कुछ सर कुछ सामान सर कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के हैं सर कुछ अपने यहाँ से मिनरल्स मेटल्स एक्सपोर्ट भी करते होंगे सर कुछ अपने यहाँ से सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी एक्सपोर्ट करते होंगे कुछ टेक्सटाइल कुछ विनिर्मित वस्तुएं बनी हुई वस्तुएं भी एक्सपोर्ट करते होंगे मान लेते सब एक्सपोर्ट किया हमने तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट में दोस्तों टोटल एक्सपोर्ट में कृषि का हिस्सा कितना है वो आपको नोट करा रहा हूँ दोस्तों में अंडरलाइन करेंगे आपके साथ कृषि का हिस्सा दो हज़ार छोड़ दीजिए उन्नीस बीस की बात करें डेटा फाइनल हो चुका है कितना है सर 11.2 पॉइंट टू परसेंट लास्ट कितना था 11.8 परसेंट ठीक कोई आप ट्रेंड नोट नहीं करना है ट्रेंड नोट नहीं करना मुझे यहाँ पर कुल मिला देश के कुल निर्यात में कृषि का हिस्सा दस परसेंट के ऊपर है कभी ऐसा कोई फैक्ट आता है तो निशान लगा दीजिएगा उस पर यस करके देश के कुल एक्सपोर्ट में टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर का जो हिस्सा है कृषि का जो हिस्सा है सर मोर देन टेन परसेंट है दो साल पहले लगभग बारह के आसपास था पिछले साल ग्यारह हुआ और इस साल पहले छः सात महीनों में ये चौदह के आसपास आ गया क्योंकि बाकी चीज़ें नहीं बिक रही हैं देखिए इसको ऐसे देखेंगे ना पहले मान लीजिए सौ रुपये में से नब्बे रुपये का पेट्रोल बेचते थे बाहर हम तैयार कर रिफाइन करके दस रुपये कृषि का, का सामान जाता था अब टोटल एक्सपोर्ट ही कम हो गया एक्सपोर्ट ही रह गया पचास रुपये का तो कृषि का दस रुपये का भी जाएगा बाहर समझ आई बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ समझिएगा पहले आप टोटल एक्सपोर्ट सौ रुपये का करते थे तो उसमें से अस्सी रुपये का पेट्रोलियम प्रोडक्ट जा रहे हैं दस रुपये का टेक्सटाइल जा रहा है दस रुपये का एग्रीकल्चर का जाता था तो कितना परसेंट हुआ दस परसेंट इस साल कोरोना के साल में क्या हुआ सब माल ही जा रहा है बाहर केवल साठ रुपये का उसमें से चालीस रुपये का पेट्रोल जा रहा है सर दस रुपये का टेक्सटाइल गया और दस रुपये का एग्रीकल्चर का गया तो कितना परसेंट हो गया मालूम आपको ये हो गया सोलह परसेंट के आसपास यानी कृषि का हिस्सा बढ़ गया ना वैल्यू नहीं बढ़ी वैल्यू उतनी ही है लेकिन कृषि का हिस्सा बढ़ गया एग्जैक्टली ये देखिएगा डेटा में दोस्तों आपको कि इस साल कृषि निर्यात का हिस्सा बढ़ गया फोर्टीन पॉइंट नाइन फोर्टीन पॉइंट थ्री परसेंट याद बिल्कुल मत कीजिएगा डेटा आपसे नहीं पूछेगा वो क्या पूछेगा इस साल देश के कृषि निर्यात में कृषि निर्यात का हिस्सा बढ़ गया है या कम हो गया है तो आपको क्या ध्यान रखना है बढ़ गया है क्यों क्योंकि ओवरऑल वैल्यू कम हो गई है कृषि तो जाता ही जा रहा है माल तो लेकिन टोटल वैल्यू कम हो गई चुकी तो परसेंटेज आप कृषि का ज्यादा दिखाई दे रहा है दोस्तों ओके <laughs> 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 okay, यहां समस्या कुछ और प्रकार की हैं यहां समस्या असामाजिक तत्वों की है पढ़ लो यार दोस्तों पढ़ लो समय खराब भी करते हो अपना पढ़ते भी नहीं हो फिर क्या मतलब निकलेगा ना पढ़ लो बेटा चलो तो एक चीज याद रखिए दो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं दोनों लिख लीजिए फटाफट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट शेयर या कृषि निर्यात का हिस्सा कुल निर्यात में मोर देन टेन परसेंट है कृषि निर्यात का हिस्सा कुल निर्यात में दस परसेंट से अधिक है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट शेयर इन टोटल एक्सपोर्ट मोर देन टेन परसेंट है सेकंड स्टेटमेंट दो हजार जो गया साल है हमारा इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का हिस्सा बढ़ गया है एग्रीकल्चर निर्यात का हिस्सा बढ़ गया है 11 से बढ़कर वो 14 पर आ गया है ठीक है दोस्तों याद रखिएगा पहला फैक्ट दो फैक्ट हो गए तीसरा फैक्ट सुनिए आराम से हमने जो कृषि का माल बेचा उसमें सबसे ज्यादा क्या बेचा क्या बेचा हमने सबसे ज्यादा माल आइए दोस्तों डिकोट करते हैं आपके साथ अगर आप देख पाए यहां पर क्या क्या, क्या, क्या सामान दिख रहे हैं आपको चलिए क्या क्या माल बेचा सर हमने यहाँ पर देखते हैं एक बार आपके साथ दोस्तों हम लोग तो पूरा आपको चार्ट दिख रहा होगा बकायदा क्या क्या बेचा हमने टोटल 11-12 परसेंट ना इसको मान लेते हैं ये बड़ा स्टैंडर्ड है क्योंकि पिछले साल का आंकड़ा पूरा आ चुका है इस स्टैंडर्ड मानते हैं मानक मानते हैं इसको हम लोग क्योंकि ये छः सात महीने का है डेटा पूरा नहीं आया है ये पूरा आ चुका है पूरे साल का आ चुका है तो आप एक नोटिस करें सबसे ज्यादा माल किसका बेचा हम लोगों ने यहाँ पर टू क्या गया है समुद्री उत्पाद टू क्या गया है अनाज यानी कि अगर स्टेटमेंट कभी आपके लिए पास आता है आपके पास आता है कि भारत के कुल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में अनाजों का मूल्य या अनाजों का हिस्सा समुद्री उत्पादों के बराबर है मैरीन एक्सपोर्ट इक्वल्स टू फूड ग्रेन एक्सपोर्ट <coughs> सही है गलत तो लगभग बराबर ही सर ये तो लगभग बराबर है जितने का हम गेहूँ चावल बेचते हैं बाहर उतने ही की मछलियाँ झींगा प्रॉन्स आदि बेचते हैं बाहर हम लोग यानी कि फूड ग्रेन इज इक्वल्स टू फूड ग्रेन एक्सपोर्ट इज इक्वल्स टू और फिशरीज़ एक्सपोर्ट खास बात है तो हम इसको भूले नहीं यदि हम ग्रीन रेवोल्यूशन पर ध्यान देते हैं तो हमको यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन पर भी ध्यान उतना ही देना होगा क्योंकि दोनों का हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट में बराबर का है खास बात सर खास बात है अपने आप में ये इन पॉइंट पार्ट और क्या है सर इन पॉइंट क्या आर्ट और, और क्या है यहाँ पर इसके अलावा देश में काफ़ी चीज़ें और भी एक्सपोर्ट करते हैं आप देख ही रहे हैं यहाँ पर क्या क्या एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो कॉफ़ी है चाय है अनाज है फूड ग्रेन्स हैं नॉन मैनुफैक्चर्ड टबैको हम बेचते हैं बाहर मसाले बेचते हैं कैशो है काजू है ऑयल मिल्स हैं फूल सब्जी या दालें बेचते हैं हम लोग फूल सब्जी दालें बेचते हैं समुद्री उत्पाद हैं या कॉटन कौ, कौ, हमारे पास है इन सब का एक्सपोर्ट करते हैं दोस्तों थोड़ा दो याद रखिएगा हम किन किन आइटम का एक्सपोर्ट करते हैं देश से आपके सामने लिस्ट आपको दिख रही है यहाँ पर आपके सामने एक लिस्ट दिख रही है हम काजू का भी एक्सपोर्ट करते हैं आपको क्या काजू बाहर से मंगाते हैं जो बाहर से नहीं मंगाते हैं हम काजू का एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है दोस्तों ध्यान से रखिएगा इन चीज़ों को दोस्त एक बात आओ मुझे छोटी सी मुझे बात कर दो ये ऐसा कोई पी नहीं है जो मैं अपने से बना के लाया हूँ इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है इकोनॉमिक सर्वे मुफ्त में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो उसमें कृषि डटर निकाल सकते हो आराम से तो आप ये कह रहे हो सर दो दिन से आपने नोट्स नहीं दिए पीडीएफ नहीं दिया ये तो पीडीएफ देने लायक है क्या दोस्त आप गूगल पे जाओ सर्च करो एक मिनट मिल जाएगा या पी ऐसा क्या है इसका इकोनॉमिक सर्वे का पी तो कुछ है ही नहीं अपने आप में दोस्त टाइप करोगे इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमिक सर्वे टाइप करो यार एंटर मारो ये मिल गया इकोनॉमिक सर्वे खोलो यहाँ पर ये यह रहा इकोनॉमिक सर्वे यार आपकी स्क्रीन पर ये देखिए शेयर का निशान बना है यहाँ पर निर्मला जी का फोटो लगा है बकायदा नीचे इकोनॉमिक सर्वे रखा है सर यहाँ पर ये इकोनॉमिक सर्वे दो हा बीस इक्कीस का हिंदी में अंग्रेजी में तीनों पार्ट रखे हुए हैं दोस्त डाउनलोड कर लो यार तीन दिन से सर आपके यहाँ पढ़ नहीं पाए हम वीकेंड पर तो यार मुझे ब्लेम करने से पहले तीस सेकेंड्स पर दिए होते गूगल महाराज पर तो गूगल आपको सब कुछ दिखा देता थोड़ा सा आत्मनिर्भर बन जाओ सर ठीक है ना चलो यार पीएम साहब आपके पीएम साहब कह रहे हैं मतलब देश के पीएम साहब कह रहे हैं बनो आत्मनिर्भर फिर भी आप बनने को तैयार नहीं हैं चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं आपके साथ मैं उस डेटा पर लौट के आता हूँ आपकी जरूरी डेटा की चर्चा मैं कर दूँ यहाँ पर क्लियर हो गया दोस्तों ये डेटा आपको चलिए अच्छी बात है सर और क्या है आपके पास चलिए अच्छा एक चीज़ सामान्य बात चलिए डेटा खुला ही हुआ है तो मैं यहीं पर ब्रीफ कर दूँगा आपको देश का टोटल एक्सपोर्ट ठीक है दोस्तों अब नोट नोट करेंगे फटाफट आप मेरे साथ देश के टोटल एक्सपोर्ट में देश के टोटल एक्सपोर्ट में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कितना है मान लीजिए 11.2 पॉइंट टू परसेंट नोट करेंगे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 11.2 पॉइंट टू परसेंट फाइन नीचे आएंगे सेकेंड नंबर पर क्या है सर मिनरल्स जो हम बेचते हैं खनिज जो हम बेचते हैं वो कुल का कितना है 3.1 परसेंट सर 2.2 पॉइंट लास्ट ईयर के हिसाब से तो मिनरल्स कितने हैं सर 2.2 परसेंट ये कंपेरिजन आ सकता है देश से कि भारत का मिनरल्स एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर से ज़्यादा है बस सोचिएगा ऐसा ना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़्यादा है भारत का ठीक है तो मिनरल्स कितने बेचते हैं हम लोग टू पॉइंट टू परसेंट बेच पाते हैं सर अच्छा मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं बहुत बेचते हैं सर हम लोग विनिमित वस्तुएं ना बनाकर वस्तुएं कपड़ा बनाकर बेचते हैं चमड़ा बनाकर बेचते हैं जूते बनाकर बेचते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी बेचते हैं दवाइयाँ बेचते हैं और बहुत कुछ बेचते हैं हम लोग कितना बेचते हैं हमारे कुल एक्सपोर्ट का नीयरली सेवेंटी परसेंट क्या है मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं हैं विनिमित वस्तुएं हैं इसके भी अंदर चलें सेवेंटी के अंदर क्या क्या है दोस्तों अगर जो पढ़ पा रहे हैं बच्चे समझ पा रहे हैं बहुत काम करेटा समझ आ रहा हो क्या देखना है हमें कैसे देखना है इसमें इस सेवेंटी के अंदर दोस्तों एक बार देख लीजिए तो आपको बहुत काम लगेगा सबसे ज़्यादा क्या बेच रहे हैं दोस्तों सेवेंटी के अंदर इसके अंदर बेचने वालों में क्या हम लोग रत्न आभूषण जेम्स एंड ज्वेलरी जी हाँ भारत से रत्न आभूषण बहुत जाता है ग्लोबल मार्केट्स में बहुत जाता है वैश्विक बाज़ारों में हमारे यहाँ से स्विट्ज़रलैंड बेल्जियम अफ्रीका दुनिया के अमीर देशों में हांगकॉन्ग में यहाँ से हम खूब बेचते हैं चाइना को यूरोप को अमेरिका को मिडिल ईस्ट को खूब जेम्स एंड ज्वेलरी बनाकर बेचते हैं दोस्तों हम लोग हमारे कुल एक्सपोर्ट का कितना है सो सकते हैं आप लगभग साढ़े ग्यारह परसेंट जितना एग्रीकल्चर अकेला है पूरा एग्रीकल्चर पूरे किसान सब मिलकर जितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग अपने यहाँ से कृषि निर्यातों का उतना अकेला बेचारा जेम्स ज्वेलरी कर लेता है हमारे यहाँ पर बड़ी बात है सुनानची कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है अपने आप में ठीक है जेम्स एंड ज्वेलरी का सेक्टर सर इसके अलावा बड़ा सेक्टर आप समझ सकते हैं ये है अपने मशीन बना के बेचते हैं सर काफ़ी बड़ी मात्रा में ठीक है सर कॉटन टेक्सटाइल जी हाँ कपड़े हमारे कुल निर्यात का हमारे कुल एक्सपोर्ट का नियरली पाँच परसेंट कपड़े जाते हैं सर हमारे से तैयार होकर हमारे यहाँ से ठीक है तो आपको अगर समझ में आ गई दोस्तों मोटी मोटी चीज़ें तो अगर मैं चार्ट बना सकूँ आपके लिए तो समझ जाएंगे आप लोग देश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट लगभग कितना है मोटा मोटा लिख रहा हूँ यहाँ पर ग्यारह परसेंट के आसपास टोटल एक्सपोर्ट है ग्यारह परसेंट एग्रीकल्चर है सर मेटल्स मिनरल्स कितने हैं सर खनिज कितने हैं लगभग दो से तीन परसेंट खनिज जाते हैं देश के बाहर ठीक है सर मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं विनिमित वस्तुएं कितनी जाती हैं सर नियरली सेवेंटी परसेंट के ऊपर जा रही हैं सर मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं इसमें से भी अगर हम काउंट करें तो जेम्स एंड ज्वेलरी रत्न आभूषण जो है सर लगभग साढ़े ग्यारह परसेंट के आसपास हैं सर ये इसमें भी टेक्सटाइल की बात करें लगभग हमारे पास पाँच परसेंट के आसपास है और मशीन आदि की बात करें तो लगभग साढ़े आठ परसेंट के आसपास है तो मेजर एक्सपोर्ट इंडिया के देखेंगे दोस्तों और फिर लास्ट में आते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम कच्चा तेल दुनिया से लेकर आते हैं क्रूड ऑयल दुनिया से लाए हमारे पास रिफाइनरी हैं सर बीस हज़ार रिफाइनरी देश के अलग भागों में बनी हुई हैं सर हमारे पास इस पूरी चेन में रिफाइनरीज बनी हुई है हमारे पास जामनगर भावनगर मुंबई मैंगलोर कोचीन कोचिन रिफाइनरी बनी है विशाखापट्टनम पारादीप हल्दिया आ, कॉम्प्लेक्स एक से एक रिफाइनरी बनी है हमारे पास दोस्तों मोर देन ट्वेंटी रिफाइनरीज हमारे पास हैं और इन कच्चे माल इस कच्चे तेल को हम लेकर आते हैं अलग रिफाइनरीज में और यहाँ से रिफाइन करके इनको बेच के आते हैं हम कच्चा तेल लाए रिफ़ाइन का खुद यूज़ कर लिए थोड़ा बहुत तो बाकी बेच भी आते हैं हम लोग इतना बनाते हैं हम लोग तो यहाँ पर हम रिफाइनरी सेवाएं दे रहे हैं दुनिया को बनाकर तो कितना है सर इसका एक्सपोर्ट इसका एक्सपोर्ट दोस्तों कितना है लगभग तेरह परसेंट के आसपास जी हाँ हमारे कुल एक्सपोर्ट में हमारे कुल निर्यातों में लगभग तेरह परसेंट क्या है लगभग लगभग तेरह परसेंट क्या है सर वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बने हुए कच्चे तेल के उत्पाद जोड़ पा रहे हैं दोस्तों तो कृषि की हम बात कर रहे थे थोड़ा सा ट्रैक से बाहर आ गया हम कहीं ट्रैक से बाहर आ गए सर लेकिन जरूरी है समझ पाए इसको हम लोग दोस्तों ठीक है सर क्वालिटी खराब आ रही है सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं सर मज़ा नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो यार सुन लो यार नहीं मज़ा आ रहा स्विच करो ना खत्म करो मतलब चार बार कमेंट करो उससे पहले चार सेकेंड लेंगे स्विच करने में किसी और एजुकेटर को ढूंढ लो यार मतलब भरे हुए एजुकेटर्स यूट्यूब भरा हुआ है दोस्त ज्ञान से भरा हुआ ज्ञान टपक रहा है यूट्यूब से बटोर लो तब बटोर सकते हो मैं नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई और सही इतने एजुकेटर हैं यार किससे पढ़ लो क्या अंतर पढ़ रहा है हर जगह प्रोग्राम चल रहे हैं हर जगह कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे पढ़ना है पढ़ो आप किसी को सुधारने की बाकायदा कोई दूसरे को पकड़ लो वो ज़्यादा मददगार होगा आप टीचर को एडवाइस देने जाओगे बेवकूफ़ कहलाओगे आप खुद दूसरों को पकड़ लो समझदार कहलाओगे बहुत अच्छा निकल लो यहाँ से ठीक है दोस्त चलो आगे बढ़ते हैं आप समझदारी दिखाओ निकल लो यहाँ से इस बात पर चलो दोस्त आगे चलते हैं जिनको मजा, जिनको मजा नहीं आ रहा है मैं उनको मदद कर रहा हूँ दोस्तों को ब्लॉक कर रहा हूँ उन लोगों को जिनको मज़ा नहीं आ रहा है तो जिससे वो निकलने में उनको मदद मैं करता हूँ मतलब थोड़ा पुश मैं कर दूँगा यहाँ से जिससे वो आराम से निकल पाए उनको ऐसा लगे कि सर ने बेइज्जती कर दी अब तो निकलना ही पड़ेगा मतलब तो जिनको मज़ा जिनको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है बिल्कुल जा सकते हैं आराम से मैं थोड़ा मदद कर दूँगा आपको ब्लॉक कर करूँगा आराम से ठीक है जिससे आपको निकलने में मेरी सहायता मिल जाए कम से कम चलिए दोस्तों तो यह बात हो गई फैक्चुअल इफॉर्मेशन दोस्तों जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना कि कितना हम लोग एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं या नहीं करते हैं तब सर की यह क्लास आपको याद आएगी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों चलो अब आ जाओ फिर से हम लौट के अपने सर्वे वाले पार्ट पे आ जाए अच्छा रहेगा तो डेटा हमने लिखवा दिया सारे आपको मैंने चलिए दोस्तों तो सर्वे का लास्ट पार्ट मतलब सर्वे का एग्रीकल्चर का लास्ट पार्ट कल से हम लौट के आएंगे अपने कृषि वाले बाकी पार्ट्स बाकी इनपुट्स पर बीच हम सॉइल की बात कर चुके हैं फर्टिलाइजर की चर्चा करेंगे और बाकी इनपुट्स की बात करेंगे कल आपके साथ लेकिन अभी हम लेक्चर में और क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं आपके सामने दोस्तों ओके आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे हमने कृषि में नौ रिफॉर्म किए हैं वो आपको याद हो गए होंगे आपने कर लिए होंगे मुझे मतलब नहीं है एफ टी ए क्यूब मेरे लिए एफ टी ए क्यूब मैंने शॉर्टकट बनाया उसका वो आप लोग याद कर लीजिएगा अपने स्तर पे मुझे एफ टी ए वर्ड अच्छा लगता है मैथ्स कस्टमर क्यूब अच्छा लगता है तो एफ टी ए क्यूब थ्री एफ थ्री टी थ्री ए याद करने में आसानी रहती है मेरे लिए भारत के तहत सरकार ने नौ कदम उठाए हैं आपको याद होने चाहिए कल मैंने या लास्ट क्लास में लिखवाया था उसको चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपके साथ आगे चलते हैं हम लोग यहां से हमने बात की आपसे डिफरेंट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं तो हम इसी कंटिन्यू करते हैं आपके साथ हमने बात की मत्स्य पालन के बारे में चलिए यहां पर हम लोग आ गए थे मैं आपको लेकर आ गया था डेटा पर ना डेटा पर लेकर आ गया था मैं आपको यहां पर ओके हमने एग्री का इन्फ्रा फंड देख लिया था एग्री इंफ्रा फंड देख लिया था यहाँ पर था मैं व्यापार पर यहाँ से लेकर चला गया था मैं आपको उस टेबल के ऊपर ठीक है ना अच्छा भाई काम करो बच्चा लोग अंडरलाइन करा रहा हूँ बहुत प्यार से लाइन अंडरलाइन कर लो हिंदी में लिखी है अंग्रेजी वाले ढूंढ लीजिएगा पैराग्राफ नंबर नोट कर लीजिए अंग्रेजी वाले तो आपको आसान रहेगा ठीक है बच्चा मैं एक जगह ड्रॉ कर सकता हूँ इसको तो पैराग्राफ नंबर ज्यादा सेवन पॉइंट नाइन नंबर मिल जाएगा आपको ये सातवां चैप्टर पार्ट टू इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट टू सेवन चैप्टर नाइन सातवें चैप्टर का नाइन पैराग्राफ मिल जाएगा आपको इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर आइटम्स तो बता रहा था दोस्तों सुन लीजिए यहाँ से ठीक है हम लोग किस देश को बेचते हैं सामान आपकी स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं यू एस सऊदी ईरान नेपाल बांग्लादेश यानी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किसे बेच रहे हैं कृषि उत्पाद किसे बेचते हैं यू एस ए को सर ट्रंप साहब के उनके बाद बाइडन आगे उनको बेचते हैं सर सऊदी को बेचते हैं ईरान को बेचते हैं नेपाल को बेचते हैं बांग्लादेश को बेचते हैं ठीक है क्या क्या बेचते हैं सर मेरीन प्रोडक्ट्स समुद्री उत्पाद बेचते हैं सर मेरीन प्रोडक्ट्स बेचते हैं बासमती चावल भैंस का मांस मसाले नॉन बासमती राइस कॉटन खली चीनी अरंडी का तेल और चाय आदि शामिल हैं तो हमने देखा वो सारी चीजें हमने देखी पीछे वो सब चीज़ें वही लिखी यहाँ पर जो लिस्ट हम पढ़ रहे थे मेजर आइटम क्या था सर अनाज जिसमें चावल आएगा और समुद्री उत्पाद लगभग हमारे 2.1 परसेंट कुल एक्सपोर्ट का तो दो बड़े आइटम है समुद्री उत्पाद और चावल चावल या फूड ग्रेन बोल लीजिए अपनी भाषा में समझने के लिए इसको हम यहाँ याद कर सकते हैं दोस्तों ठीक है चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से आगे चलेंगे आपके साथ ठीक है बच्चों जूम करना है जूम कर लो यार ऐसा कुछ नहीं है जूम भी कर सकते हैं हम लोग जूम की सुविधा हमारे पास है ठीक है ओके ये सारी बातें हो गई दोस्तों आपके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से अच्छा एक शब्द थोड़ा याद रखिएगा ये बड़ा की, -की, -की वर्ड है आपके लिए देखिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पे यूपीएससी लगातार सवाल पूछ रहा है पिछले सालों में ऐसा कोई साल नहीं गया है कभी कभी दो सवाल पूछे हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर कृषि व्यापार के ऊपर जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लगता है मुझे पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको नाइन्टी के रिफॉर्म के बाद एल रिफॉर्म के बाद दोस्तों हुआ क्या है हमारे यहाँ पर क्या हुआ है सर भारत कृषि उत्पादों का शुद्ध निर्यातक रहा है ये बहुत काम की बात है नेट एक्सपोर्टर कंट्री रहे हैं हम दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है सर नेट एक्सपोर्टर इसका मतलब हम शांत समझते हैं क्या होता है मतलब हम बाहर सामान मंगाते भी हैं सर दालें मंगाते हैं ऑयल सीड मंगाते हैं तिलहन मंगाते हैं कुछ और चीज़ मंगाते रहते हैं हम लोग तो हमारा जो एक्सपोर्ट है ना कृषि का निर्यात जो है ना सर वो हमारे आयात से ज़्यादा है इसका मतलब ये है हमारा जो इम्पोर्ट है जितनी राशि का इम्पोर्ट हम करते हैं उसके मुकाबले हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है दैट मीन्स हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से दैट मीन्स हम क्या हो गए सर नेट एक्सपोर्टर शुद्ध निर्यातक हैं तो भारत याद रखिए स्टेटमेंट काम आएगा 91 वन के रिफॉर्म के बाद से हम भारत शुद्ध निर्यातक रहे हैं कृषि के मामले में हम दुनिया को अनाज बेचते ज़्यादा हैं खरीदते कम हैं खरीदने में थोड़ा कम है हम लोग लेकिन बेचने में ज़्यादा हम लोग अपने आप को हैं और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं सर हम लोग यहाँ पर और कितना अंतर है सर ये ये अंतर दोस्तों कुछ इस प्रकार का है 2.52 लाख करोड़ कम एक्सपोर्ट करते हैं 1.47 लाख करोड़ का हम लोग इम्पोर्ट करते हैं दो हज़ार का आंकड़ा है दोस्तों ये ठीक है समझ में आ रहा है हमारे पास यानी भारत का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है हमारे इम्पोर्ट के मुकाबले इसको याद रखिएगा स्टेटमेंट को यूपीएससी पूछेगा तो आपको आंसर आना चाहिए इसका ठीक है दोस्तों चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट्स आगे चलेंगे हम लोग यहाँ पर सर्वे को डील कर रहे हैं दोस्तों हम लोग आज ठीक है तो प्लीज़ दोस्तों आप उसको इंग्लिश वाले लोग देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग उसको ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है आ, मैं फ्रीप करता हूँ एक बार क्योंकि इनपॉर्ट लाइन आपके लिए <coughs> िक रिफॉर्म नाइन्टी वन इज रिमांड नेप्ट एग्री प्रोडक्ट वॉज एग्री एक्सपोर्टिंग टू पॉइंट फाइव टू लैक करो इंपोर्ट इज दिस वन तो इंडिया रिमेंड अर नेट एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स विद एग्री एक्सपोर्ट टचिंग टू पॉइंट फाइव टू लैक करो एक्सपोर्ट और वन पॉइंट फोर सेवन लैक करोड़ टू इम्पोर्ट जी हाँ हमारा एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है ठीक है अब यहाँ पर एक ट्रेंड एनालिसिस भी किया है अगली ही लाइन में एक ट्रेंड एनालिसिस किया है दोस्तों उसने वो पढ़ के सुना रहा हूँ आपको सुन लीजिए आइए यहाँ पर अगले पैराग्राफ पे आता हूँ मैं भारत के कुल निर्यात में समुद्री उत्पादक वृद्धि सबसे अधिक रही है दोस्तों इस लाइन को समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बहुत काम की लाइन है दोस्त देश के टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं सबसे ज्यादा हम क्या बेच रहे हैं समुद्री उत्पाद बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है हमारे समुद्री उत्पादों का दोस्तों और इस बार मेरा मानना है कि पशुपालन और फिशरीज इस पर क्वेश्चन आना ही है ये आपका चार्ट है दोस्तों इस चार्ट को एक बार देखते हैं स्कैन करते हैं क्या कह रहा है सर हर चार्ट कुछ कहता है ये चार्ट क्या कह रहा है सर मालूम है आपको दोस्तों ये चार्ट क्या कह रहा है सुनिएगा ठीक है हमारा देश का जो टोटल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर समुद्री उत्पाद जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं ये हमारे जो अकेला हिस्सा किसका है सर ये ये समुद्री उत्पादों का है मान लीजिए कुल निर्यात इतने देश के अगर हैं तुम्हारा समुद्री निरात कितने हैं सर नियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी बड़े स्केल पर समुद्री निरात हैं फिर बासमती चावल हमारे यहाँ बेचते हैं, हैं काफ़ी हम लोग यहाँ पर आ, बफेलो मीट काफ़ी बेचते हैं सर मसाले बहुत जाते हैं हमारे यहाँ से या फिर हम लोग नॉन बासमती चावल भी काफ़ी बेच रहे हैं आजकल और बाकी चीज़ें हैं लेकिन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्योंकि अनाज अनाज तो अपने में कई क्वान्टिटी हो गई अनाज में चावल भी आता है नॉन बासमती चावल भी आता है उसमें दालें भी आ जाती हैं लेकिन समुद्री उत्पादों की बात करें तो लार्जेस्ट क्वांटिटी है हमारे पास समुद्री उत्पाद एक्सपोर्ट की तो भारत के निर्यात में समुद्री उत्पाद मैरीन एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा है आपको जानकर दे यहीं पर बगल में नोट डाउन करना चाहें पीटी मास्टर हम लोगों के हमारे याद रखिएगा पीटी में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है सेकंड लार्जेस्ट कंट्री किस में सर फिश प्रोडक्शन में जी हाँ फिश प्रोडक्शन में भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है बड़ी बात है बड़ी बात है दोस्तों याद रखिएगा काम आएगा आपको ठीक है तो समुद्री उत्पाद काफी बेचते हैं हम लोग यहां पर ये डेटा मिल गया आपको सर आइए आगे बढ़ते हैं आपके साथ तो ये काम आएगा आपके लिए ठीक है तो थोड़ा याद रखिएगा समुद्री उत्पादों की सारी बढ़ती सबसे रह अधिक रही है देश के टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में मेरीन प्रोडक्ट सबसे ज्यादा हैं मैं इसी के साथ खत्म करूंगा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का टॉपिक क्या समझ आ गई सारी बातें मुझे यहाँ पर दोस्तों एक बार यस का बटन दबा दीजिए एक का बटन दबा दीजिए मालूम पड़ जाए कि सारी बात समझ आ गई है आपको तो हम आगे बढ़ेंगे फिर यहाँ से क्या सर चलिए सर चलिए सब कुछ ठीक है यहां हम लोग एक्सपोर्ट की बात हमने बहुत सारी कर ली है कल से लेकर आज तक काफी टॉपिक हमारे तैयार हो गए हैं आइए बाहर आते हैं एक्सपोर्ट से हम लोग सर ओके अगला टॉपिक जो एग्रीकल्चर में कवर करना है वो है एमएसपी एस यहाँ पर सर्वे के अंदर एमएसपी की बात की गई है और मुझे लगता है इस बार के इन पॉइंट काफ़ी हुई जितना किसानों के प्रोटेस्ट हो रहे हैं सबका मेन क्राइसिस सबका मूल जो आधार है वो इसी शब्द पटे का है इसका नाम है एम या मिनिमम सपोर्ट प्राइस सर ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं सर्वे में अंडरलाइन क्या किया दोस्तों आपके लिए यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं सर सर्वे में कहा गया है कि बजट में सरकार ने कहा था क्या कहा था दोस्तों एम को उत्पादन की लागत का 1.5 पॉइंट टाइम रखा जाएगा इसका मतलब क्या है सर किसान के जो उत्पादन की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उत्पादन की जो लागत है किसान के उससे 1.5 उसको प्राइस दिया जाएगा इसे हम एम कहेंगे तो एम क्या होगा किसान की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना जो भी कॉस्ट उसकी आ रही है मान लीजिए किसी क्विंटल दो हज़ार क्विंटल पड़ रहा है उसको कोई अनाज तो सरकार देगी उसको तीन हज़ार रुपये एम ठीक है देगी ना देगी बात है, तीन आई घोषणा करेगी उसके लिए एम एस पी यहाँ पर ठीक है दोस्तों आइए बात करते हैं तो सरकार लगातार चीज़ें बढ़ा रही है यहाँ पर हमारे यहाँ पर एम एस सी महंगा कर रहा है एम एस सी बढ़ता जा रहा है समय के साथ ठीक है ये बात याद नहीं करना हमको दोस्तों याद नहीं करना हमको यहाँ पर अच्छा एक चीज़ को देख लीजिए एक चीज़ को देख लीजिए दोस्तों काम आएगा ओके okay. मैं दिखाना चाह रहा हूँ शब्दों को देखिएगा किसान जो एम सरकार ने तय किया और किसान की जो कॉस्ट आ रही है सरकार कह रही है आपको ज़्यादा देंगे 150 परसेंट देंगे आपकी लागत का लेकिन कुछ फसलों में किसान को 50 परसेंट मतलब कुल इलाके में कहूँ मेरी लागत 2000 की है सरकार ने वादा किया 3000 देने का तो मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है 50 परसेंट का फ़ायदा हो रहा है मेरी कीमत मेरी फसल की कीमत सौ रुपये तैयार की है सौ रुपये में सरकार के डेढ़ सौ देंगे आशीर्वाद आपको तो मेरा फ़ायदा कितना हो गया पचास रुपये का पचास का फ़ायदा हो गया मेरा यानी लेकिन कुछ फसलों में किसान को ज़्यादा फायदा हो रहा है और उसमें से एक फसल कौन सी है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मैं चाहूँगा नज़र मार लीजिए इस लाल वाई लाइन पर थोड़ा नजर मारिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है दोस्तों हमें किन फसलों पर ज्यादा फायदा हो रहा है हमारे किसान भाइयों को पचास तो कम से कम देना है तो पचास तो मिलेगा ही मिलेगा पचास तो मिलेगा ही लेकिन कुछ फसलों पर आप देखेंगे हमको ज्यादा फायदा हो रहा है हमारे किसान भाइयों को ज्यादा फायदा हो रहा है और उसमें कौन सी फसल आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है दोस्तों नजर मार लीजिए 83 परसेंट दे रहा है बाजरा जी हाँ अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष होने वाला है दो साल बाद याद रखिएगा मिलेट ईयर होने वाला है अगले दो साल बाद आपके लिए तो बाजरा जो है हमारे किसान भाइयों को 83 थ्री परसेंट रिटर्न देता है यानी पैदा करने की लागत सौ रुपये है और सरकार एम एस पी दे रही है वन एट्टी थ्री रुपीज़ उस पर एट्टी थ्री परसेंट का रिटर्न है बाजरे के ऊपर पैदा कीजिए खूब बाजरा यहाँ पर या फिर उड़द की दाल हो गई या आपका अरहर की दाल हो गई या फिर आपके बाकी चीज़ें यहाँ पर भी हैं जिन पर भी आपको एम ज़्यादा मिल रहा है आपकी लागत से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है ठीक है चलो तो ये कुछ काम की चीजें आपके लिए दोस्तों ठीक है तो ये दिखाई दिया मैंने आपको यहां पर तो कॉस्ट एमएसपी रिटर्न ऑफ खरीफ क्रॉप तो खरीफ की बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर खरीफ फसलों में तो आप देख रहे हैं बाजरे पर खरीफ क्रॉप में 83 थ्री परसेंट रिटर्न सरकार के द्वारा दिया गया ठीक है रबी क्रॉप में देख लीजिए तो रबी क्रॉप जो आपकी रबी क्रॉप फसलें होती हैं उनमें गेहूं भी कितना रिटर्न मिल रहा है देख रहे हैं आप एक सौ छः परसेंट टन मिलता है गेहूँ पर यानी किसान की लागत सौ रुपये है तो किसान को दो सौ छः रुपये मिलते हैं गेहूँ के ऊपर चने की बात करें चने की बात करें सेवेंटी एट है या फिर बसूर की बात करें सेवेंटी एट है आ, तिलहन की बात करें सरसों की बात करें नाइन्टी थ्री जी हाँ नाइन्टी थ्री रुपीज़ नाइन्टी थ्री परसेंट ज़्यादा है तो ऑफ़कोर्स रबी की फसलों में उसको एम एस पी ज़्यादा मिलते हैं अच्छा ये बड़ा स्टैंडर्ड चीज़ बन गई आपके लिए बड़ा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट बन गया एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं खरीफ की फसलों पर देखिए फिर से एक बार खरीफ की फसलों पर अधिकतर फसलों पर किसानों को उनकी लागत का ही प्राइस मिल रहा है जितना लागत पचास परसेंट ऊपर बस रबी की फसलों पर या जो सर्दी में जो फसलें होती हैं हमारे शीतकालीन फसलें जो होती हैं उनमें किसानों को रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं उनकी लागत कम आ रही है और उनके लिए उनको आउटपुट अच्छा मिल रहा है उनको प्राइस अच्छा मिल रहा है ठीक है तो अभी याद रखिएगा स्टेटमेंट वन के पूछ रहे यू आपसे तैयार रहेगा इसके लिए ठीक है चलो ये काम का है सर इसमें अपना अच्छा क्रॉप इंश्योरेंस की बात करें दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस में कुछ काम नहीं करना है आपको फसल बीमा की बात कर लू छोटा सा मैं आपके लिए यहाँ पर फसल बीमा की सरकार की स्कीम चल रही है दोस्तों सरकार की स्कीम का नाम जानते हैं आप लोग क्या है सरकार की इसका नाम है दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लगता है इस साल की बहुचर्चित बहुविवादित योजना है आपके लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुचर्चित बहुविवादित क्यों सर चर्चा में क्यों विवाद में रही कई राज्यों ने स्कीम से विड्रॉ कर लिया अपने आप को उनका मानना है कि वो जो राशि प्रीमियम राशि दे रहे हैं सरकार बीमा कंपनियों को काफी ज्यादा है सर डिकोड कर दीजिए आसान भाषा में हमने साल का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा है तो बता दीजिए क्या मतलब है इस खबर का देखिए दोस्तों पाँच मिनट दीजिएगा आराम समझिएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फसल बीमा योजना ठीक है 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया सर ठीक है कोई समस्या नहीं है कॉन्सेप्ट <coughs> क्या है सर यदि किसान खरीफ के मौसम में या रवि के मौसम में फसल बो रहा है और उसे लगता है रिस्क है कि बारिश हो सकता है ना हो खरीफ के मौसम में या सर्दियों में ओलावृष्टि हो जाए अनसीजन रेन आ जाए बेमौसम बारिश हो जाए और उसकी फसल बर्बाद हो सकती है उसको रिस्क लग रहा है तो यहाँ पर सरकार कहती है वो okay, किसान आपको लगता है कि आपका जो खेत में जो फसल हो रही है उसका मूल्य एक लाख रुपए की फसल है मान लेते हैं एक लाख की फसल है किसान की किसान चाहता है भाई फसल बर्बाद हो तो मुझे एक लाख रुपए मिल जाए बीमा ये होता है ठीक है वो गया एक कंपनी एक्स के पास इस कंपनी को उसने कहा कि भैया मुझे एक लाख की मेरी फसल है खराब हो गई तो बीमा देना बीमा चाहिए मुझे कहा ठीक है तो इन्हें काम करी किसान भाई आप मुझे फसल पर आप मुझे दस प्रीमियम दे दीजिए मतलब मुझे दस हज़ार दे दीजिए प्रीमियम का प्रीमियम दस हज़ार दे दीजिए मुझे आप और यदि आपकी फसल खराब हो गई तो मैं आपको एक लाख रुपये लौटाऊंगी और नहीं हुई तो जयराम जी की आराम से बड़ो फिर तो तो दसा गए किसान के तो किसान कहते हैं दस हज़ार रुपये मतलब तो इतना रिस्क भी नहीं है मतलब या बारिश ना हो तो ये भी कि दस हज़ार तो के दू में तो किसान के सामने बड़ी समस्या प्रीमियम की राशि आठ हज़ार छः हज़ार पाँच हज़ार मांगेगी तो भी किसान लगता है एक लाख की फसल है पाँच हज़ार पाँच लाख की फसल है सवा पच्चीस हज़ार किसान नहीं देता है मना करता तो किसान प्रीमियम बीमा नहीं लेता क्योंकि हाई प्रीमियम होती है किसानों के लिए प्रीमियम नहीं लेता वो फसल बीमा नहीं कराया अब सरकार आगे आई सरकार का साम सुनो या डरो मत हम तुम्हारे साथ हैं तुम्हें क्या करना है केवल प्रीमियम का डेढ़ परसेंट तुम दो या दो परसेंट तुम दो यानी कि अगर खरीफ की क्रॉप है दो परसेंट दे दो और रबी की क्रॉप है तो डेढ़ परसेंट दे दो यदि मान लो गेहूं बोया तुमने उसका बीमा कराना चाहते हो बीमा गेहूं मतलब रबी की फसल हो गई उसका तुम केवल डेढ़ परसेंट दे देना प्रीमियम का और चावल बोया है तुमने जुलाई के मौसम में जून के मौसम में तो दो परसेंट दे देना उसका यानी एक लाख का तुम दावा कर रहे हो तो दो हजार तुम दे, दे देना बस दो हजार जी हाँ या? दो हज़ार तुम दे, दे देना या दो जो भी प्रीमियम की राशि हो प्रीमियम की राशि का जो भी परसेंट बनता है तुम दे, दे देना बाकी कौन प्रीमियम देगा प्रीमियम मतलब दस हज़ार का प्रीमियम है तो दो इसका दो परसेंट नॉट एक लाख का नहीं दस हजार का दो परसेंट किसान देगा यानी दो सौ पाँच सौ रुपये जो भी किसान देगा और बाकी नौ हज़ार आठ सौ रुपये कौन देगा ये आधा देगा केंद्र आधा देगा राज्य जी हाँ ये कहा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कि 98% एट परसेंट बियर बाय सेंटर स्टेट इक्वली और दो परसेंट बियर करेगा हमारा किसान भाई हमारा फार्मर और रबी क्रॉप है अगर वो रबी की है तो डेढ़ परसेंट किसान देगा और बाकी 98.5 परसेंट दोनों सरकारें मिलकर देंगी ये एक स्कीम थी लॉन्च की गई ठीक है सरकारें पैसा दे रही बीमा कंपनियों को प्रीमियम का भैया लो नाइन्टी एट पॉइंट फाइव परसेंट प्रीमियम हमसे लो दो परसेंट किसान से ले लो तुम्हारा प्रीमियम आ गया बर्बाद हो फसल बीमा देना उसको यहाँ पर ये पाया गया कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लो नाइन्टी एट हंड्रेड रुपीज़ इसने दिए दो सौ किसान ने दिए टोटल टेन थाउजेंड का प्रीमियम भरा गया एक लाख की क्रॉप पर ऐसा मान लेते हैं ये किसके पास गया अमाउंट एक्स कंपनी के पास गया पाया ये गया कि एक किसान के लिए दस हज़ार रुपये दिए ऐसे ही सरकार ने एक किसान के लिए डॉन हज़ार आठ सौ रुपए दिए फिर पहले किसान के लिए दूसरे किसान के लिए भी सरकार ने कुछ अमाउंट दिया ऐसा ही फिर तीसरे किसान की फसल थोड़ी कम थी तो उसके लिए तीन चार हज़ार में काम हो गया उसका तो सरकार ने सब अमाउंट किसको दिया एक्स कंपनी को दिए और जब प्रीमियम देने प्रीमियम बहुत मिल गया कंपनी को बहुत सारा प्रीमियम आ गया इसके पास जब इंश्योरेंस देने की बारी आई देखा तो इस बार इंश्योरेंस तो कुछ नहीं बटा यानी सरकार उसको हो सकता है पाँच लाख दे दी प्रीमियम का और इसने केवल एक लाख दिया किसान को चार लाख फायदा इसने कमा लिया यानी प्रीमियम इतना मिल गया इसको किसान को तो बांटने की एक दो बात बारी आई फसल खराब ही नहीं हुई किसान की पूरी तो केंद्र राज्य का पैसा टैक्स पेयर का पैसा जो मैंने टैक्स भरा है सरकार को वो चला गया बीमा कंपनी के पास प्राइवेट बीमा कंपनी के पास और बीमा कंपनी ने बीमा तो दिया लेकिन किसान को फसल बर्बाद ही नहीं हुई थी यार तो फायदा कौन कमा के ले गया सारा ये कमा के ले गया अब सरकार ने इस साल क्या बदलाव किए दोस्तों तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया है कई राज्य स्कीमों को छोड़ चुके हैं चाहे गुजरात की बात करें झारखंड की बात करें एम की बात करें या कई और राज्यों ने इसको त्याग दिया है इस योजना को त्याग दिया है अब वो स्कीम को लागू नहीं कर रहे हैं और उन राज्यों ने अपनी स्कीमें लॉन्च कर दी हैं अपने किसानों के लिए अपनी स्टेट गवर्नमेंट स्कीम लेकर आ गई है स्टेट गवर्नमेंट का कहना है भाई आधा प्रीमियम भी दें हम लोग आधा भाग भी दें और उसके बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसे में वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं इन योजनाओं का सर ठीक है आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ दिया लोन ले रहा है उसके लिए जरूरी था प्रीमियम, प्रीमियम लेना। आप बैंक से लोन लोगे तो बीमा लेना ही पड़ेगा और बैंक के लोन में अमाउंट कट जाएगा आपके बीमा के प्रीमियम का जबरस्ती गले पड़ रहे हो यार या फिर लोन नहीं ले रहे कोई बात नहीं छह हजार रुपए सरकार से ले रहे हो ना वो तो कंपलसरी ले रहे हो छह हजार रुपये याद ना आपको दो दो यहाँ की तीन किस्तें पी एम किसान सम्मान निधि देश के हर किसान को परिवार को दो हज़ार रुपये सरकार दे रही है हर चार महीने में तीन बार किस्त साल के छः हज़ार रुपये अच्छा लोन नहीं लिया तुमने कोई बात नहीं छः हज़ार दे रहे हैं ना इसमें से काट लेंगे तुम्हारा पैसा प्रीमियम का तो मतलब काट तो हम लेंगे पैसा प्रीमियम तुमको देना ही पड़ेगा तो ये स्कीम पहले थी कंपलसरी था किसान के लिए कराना बीमा लेकिन अब सरकार ने इसको मैंटेन नहीं कर दिया अब इसको वॉल्टियर यानी स्वैच्छिक कर दिया है जो किसान भाई कराना चाहें कराएं ना कराना चाहें ना कराएं तो हमारे यहां पर याद रखिएगा भारत सरकार ने ये बड़ा बदलाव करते हुए इस प्रीमियम इस इस इंश्योरेंस की स्कीम को अनिवार्य हटाकर स्वैच्छिक कर दिया है यान यानी अब ये स्कीम स्वैच्छिक है दोस्तों यानी अब स्वैच्छिक हो गई है यहां पर अब आ, सरकार कंपलसरी नहीं करेगी ठीक है दोस्तों याद रखिएगा सरकार ने क्या किया दोस्तों सुन लीजिए यहां पर सरकार क्या कर रही है एंड इंप्रूव द स्कीमज मेड वॉलेंट्री फॉर ऑल फार्मर्स ठीक है तो फरवरी 2020 के बाद इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया गया है सभी किसानों के लिए ठीक है चलो यहां पर मुश्किल नहीं है सर चलिए तो यह है प्रधानमंत्री आपकी, आपकी फसल बीमा योजना उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये भी क्लियर हो गया आपको आगे बढ़ते हैं आपके साथ अगले स्कीम पर अगले पार्ट पर आता हूं फटाफट में अगला पार्ट है दोस्तों पीएम किसान पीएम योजना का पीएम किसान योजना सुनाइए आप लोगों ने इसमें कोई नई बात नहीं है पीएम किसान योजना क्या है सर इसके तहत छः हज़ार रुपये छः हज़ार प्रतिवर्ष किसानों को दिए जाते हैं हमारे यहाँ पर अच्छी स्कीम है सर छः हज़ार मिल रहे हैं किसानों को हमारे इसमें दो दो या की तीन किश्तें मिलती हैं सर विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन कोई शर्त नहीं है बस किसानों के लिए हर किसान को मिलेगा अकाउंट में ट्रांसफर होंगे उसमें ठीक है तो नौ करोड़ किसान परिवार देश के 9 करोड़ किसान परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं दोस्तों हर तीन चार महीने के अंदर हर चार महीने में दो हज़ार अकाउंट में शामिल होते हैं दोस्तों उनके ओके okay, दोस्तों ओके okay, आगे बढ़ते हैं आपके साथ आगे चले हम लोग यहाँ से क्लियर है दोस्तों यहां तक ठीक है अगला सेगमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इस बार के लिए एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन मत्स्य पालन दुग्ध उत्पादन या लाइट सेक्टर जो है बहुत काम का दोस्तों हमारे यहाँ पर ये लगातार बढ़ता भी जा रहा है सेक्टर बात कर लेते हैं इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इसमें काम का क्या है कुछ डेटा मैंने अंडरलाइन किया होगा यहां पर आपके लिए आइए ठीक है आइए दोस्तों कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं बहुत काम की बात सुन लीजिए फटाफट सुनेंगे खत्म करते हैं इसको दूध उत्पादन है भैया एक नंबर पे भारत ठीक है याद रखिएगा पहले स्थान पे दुनिया में हम लोग दूध उत्पादन में कोई समस्या नहीं है सर कितना दूध पैदा करते हैं हम लोग 198 मिलियन टन दोस्तों 198 मिलियन टन 2019-20 में इतना दूध पैदा हुआ है दोस्तों हमारे यहाँ पर इतना दूध पैदा हुआ है 198 मिलियन टन पर कैपिटा कितना है सर फोर ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है दूध की चार ग्राम एक बार इस पर चार्ट नज़र मान लो काम आसान हो जाएगा इसके बाद ये चार्ट कुछ कहता है ये चार्ट क्या कह रहा है सर पिछले कुछ सालों से दूध का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है दोस्तों एक अपसाइड ट्रेंड आपको देखेगा निरंतर वृद्धि हो रही है दूध के उत्पादन में दोस्तों 198 मिलियन टन दूध उत्पादन कर रहे हैं हम लोग दुनिया में रिकॉर्ड है जो कि पहले स्थान पर है हम लोग 198 नाइन्टी आज से कुछ साल पहले वन था वन पर आ गया ऑलमोस्ट पच्चीस का इजाफा नॉट पच्चीस परसेंट वन थर्ड यानी तैंतीस परसेंट का इजाफा हो गया दोस्तों पाँच सालों के अंदर काफ़ी बड़ी चीज़ है अपने आप में ये ठीक है सर तो प्रति व्यक्ति कितना हो गया सर फोर जीरो जी राज्यों में ज्यादा है कुछ राज्यों में कम है अच्छा सवाल है सर तो किस राज्य में ज्यादा है सर किसमें बेटा दा लोग पढ़ाए हम लोगों ने काफी बार समझा इस बात को तो यहाँ पर सर पंजाब एक हाइक पे दिख रहा है बारह कुछ भी यार मतलब देश का एवरेज चार है पंजाब में नदियाँ पानी में नहीं बहती नदियाँ दूध की बहती हैं वहाँ पर चार बारह सौ ग्राम प्रति व्यक्ति उपलब्धता है हरियाणा में सर लगभग हरियाणा में भी कम नहीं है सर वहाँ भी दूध की नदियाँ बहती हैं लगभग ग्यारह सौ बारह सौ उसका ही पीक है सर बाकी चार सौ ग्राम के ऊपर कुछ राज्य और भी हैं सर राजस्थान में भी ठीक ठाक हालात हैं सर नौ ग्राम राजस्थान में भी है सर तीसरे स्थान पर और फिर चौथे स्थान पर कुछ और राज्य भी हैं सर गुजरात में भी ठीक है सर छः के आसपास है एम भी ठीक है सर पाँच के आसपास है ठीक है टॉप थ्री याद करें पंजाब हरियाणा राजस्थान जी हाँ पर कैपिटा एवेलेबिलिटी दूध की उपलब्धता के आधार पर बात में कर रहा हूँ पंजाब हरियाणा राजस्थान टॉप थ्री हैं दोस्तों पंजाब में 1200 ग्राम प्रति व्यक्ति हरियाणा में लगभग 1100 ग्राम प्रति व्यक्ति और राजस्थान में लगभग 800-900 ग्राम प्रति व्यक्ति जी हाँ दोस्तों बड़ी बात है अपने आप में ये ठीक है देश का कितना है 407 ग्राम देश की उपलब्धता है दोस्तों 407 ग्राम की ठीक है चलो बेटा आगे बढ़ते हैं आपके साथ यहाँ पर अच्छा अंडों की बात कर लें दोस्तों अंडे खाने का शौक मतलब पीटने का नहीं अंडे खाने की बात कर रहे हैं उत्पादन की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग उत्पादन में इंडिया कहाँ पर दोस्तों अंडों के उत्पादन में अंडों के उत्पादन में दोस्तों हम लोग कहाँ पर हैं थर्ड नंबर पर हैं दुनिया में थर्ड हैं दोस्त हम लोग अंडों के उत्पादन में कोई समस्या नहीं है सर आ जाओ दोस्तों आगे बढ़ें हम लोग प्रति व्यक्ति अंडे कितने देश के अंदर 86 अंडे प्रति व्यक्ति हैं यानी पर कैपिटा एग एवेबलिटी 86 है सर प्रतिवर्ष यानी साल के तीन दिनों में 86 अंडे उपलब्ध होते हैं एक व्यक्ति के लिए बहुत बढ़िया सर अच्छी बात है खूब अंडे खाने चाहिए अब नोटिस करें यहां पर हम लोग पर कैपिटा की बात करें लगातार दूध बढ़ रहा है अंडे भी प्रति व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं हमारे यहाँ पर हर साल बढ़ते जा रहे हैं अच्छी बात है सर ये तो उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है अच्छा अब सुनिए दोस्तों एक खास बात पिछले कुछ समय से हमारा डेयरी इंडस्ट्री संकट के दौर से गुजर रहा है लगातार देखा सरकार ने प्रयास बहुत किया है लेकिन हमारा डेयरी इंडस्ट्री संकट के दौर से गुजर रहा है सर ऐसा क्यों हो रहा है क्या दोस्तों क्लियर है हमको बातें यहाँ पर चलो हम बात करें जो खास बात सुन लीजिए दोस्तों दो तो मिनट सुन लीजिए मैं चाहता हूँ समस्या है ने वाले नहीं है आप लोग मतलब यार मैं या तो हार मान लूँ मतलब छोड़ दो यार पढ़ाना पढ़ाना पढ़िए आराम से चैट वैट देखो यार मुझे भी चैट करने मज़ा आएगा आप लोगों के साथ मेरे टाइम ऐसी चैटिंग क्यों नहीं होती थी मतलब मैं तो पढ़ाने लायक जाके बनता ही नहीं मतलब मैं टीचर्स बन गया कम से कम मतलब इतना पढ़ लिया कि टीचर्स बन गया कम से कम वरना वो भी नहीं हो पाता आपके टाइम आपके टाइम चैट मैं करता हूँ वहाँ पर तो भी ना होता तो आइए सुबह दूर की बात है मतलब ना इंटरव्यू दिया वो भी नहीं दे पाता फिर तो मैं चलो आ जाओ बेटा लो इधर आ जाओ मेरा फटाफट हुआ क्या सर देखिए जैसे अमूल की बात करते हैं अमूल एक कंपनी है सर अमूल किसानों से हमारे दुग्ध उत्पादकों से हमारे गोपालों से दूध खरीदता है प्रोसेस करता है फिर आपको बेचता है उसके डिफरेंट उत्पाद बना के बटर बना के या फिर दूध बना के उसको बेचता है आपको प्रोसेस करके बेचता है कमिटमेंट है उसका किसान जो तो खरीदना ही पड़ेगा ठीक है अब लॉकडाउन में क्या हुआ लॉकडाउन में भैया सप्लाई रुक गई कहीं ना कहीं दूध की दूध की सप्लाई नहीं भी रुकी तभी डिमांड कम हो गई फैक्ट्रीज बंद हैं स्कूल बंद चल रहे हैं डिमांड कम हो गई दूध की सडनली आपके यहाँ दूध की डिमांड कम होना सप्लाई चेन बाधित हो गई तो किसान तो देखे जा रहे हैं अमूल को अपना दूध यहाँ पर तो वो देखे जा रहे हैं लेकिन अमूल कहाँ बेचे इसको तो हुआ क्या अमूल ने क्या किया या इस जैसी कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया इसको कन्वर्ट किया किस में मालूम है वाइट बटर में मिल्क पाउडर में कन्वर्ट किया कि एटलीस्ट ख़राब तो नहीं होगा लंबे समय तक तो इसकी भी डिमांड नहीं है ग्लोबल मार्केट में डिमांड नहीं है कहाँ बेचोगे तो उससे हुआ क्या किसान से खरीदना पड़ रहा है क्योंकि कमिटमेंट है आपका लेकिन आपको आगे मार्केट नहीं मिल रहा तो उससे हुआ क्या अमूल या हमारे और कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन घाटे में चले गए क्योंकि किसानों से कमिटमेंट है देना पड़ेगा जैसा कि एफ है किसानों से कमिटमेंट खरीदना पड़ेगा खरीद तो लिया बाटें कहाँ फ्री में बांटें क्या ऐसे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता बेचारा अमूल एक्सपोर्ट तो करता है लेकिन वो एक्सपोर्ट के रास्ते बंद हैं कोई आपसे खरीद नहीं रहा दूध के दिन कोरोना आ गया तो क्या करोगे तो ऐसे में क्या हुआ सर हमारे सहकारी संगठन जो हैं हमारे ये कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गए सर इनको पैसे कमी से जूझना पड़ा याद रखिएगा मेन था सप्लाई चेन का टूटना कच्चा माल लेना पड़ रहा है क्योंकि कमिटमेंट है आपका आगे आप बेच नहीं पा रहे क्योंकि मार्केट नहीं है तो याद रखिएगा इससे हमारे कॉपरेटिव सोसाइटी को इससे काफी नुकसान हुआ लाइक अमूल ऐसी कंपनी घाटे में आ गई इस बार ठीक है सर चलिए इसमें कुछ खास नहीं करना सर हमको यहाँ पर अच्छा आप नोटिस कर रहे हैं दोस्तों भारत सरकार ने इस साल के आत्मनिर्भर बजट में या आत्मनिर्भर जो कार्यक्रम था उसमें पशु के लिए क्या क्या किया मालूम है आपको पशुओं के लिए हमने क्या क्या किया पशु डिजीज फुट एंड माउथ डिजीज हमने देखा था तो राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया फुट एंड माउथ डिजीज के वैक्सीन लगा रहे हैं और वैक्सीन जोड़ रहे हैं हम लोग पीएम साहब ने उद्घाटन किया था पशु रोग नियंत्रण एनिमल डिजीज़ की बात की थी इसके अलावा सर एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एनिमल हजबेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये तैयार किया पशुपालन अवसरचना विकास कोष तैयार किया हमने पशुओं के लिए सर ये काम भी किया पशुओं के लिए हम लोगों ने यहाँ पर सर यानी भारत सरकार और इसके अलावा फिशरीज़ के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए भी हमने एक्स्ट्रा फंड तैयार किया बाकी हमने एक मत्स्य संपदा योजना पार्ट ऑफ आत्मनिर्भारत मत्स्यन संपदा योजना भी हमने लॉन्च की है आत्मनिर्भर भारत के तहत तो आत्मनिर्भर भारत के जो नौ कदम हैं उन नौ कदमों में सर तीन कदम जो हैं वो हमारे पशुपालन के लिए हैं या हमारे मत्स्य पालन के लिए हैं है। तो जो अलाइड एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं उनके लिए हम क्या कर रहे हैं सर यहाँ पर नौ में से तीन कदम इनके लिए भी हैं बाकी छह कदम हैं कि फूड प्रोसेसिंग करेंगे और इंफ्रा लगाएंगे सारी बातें लेकिन तीन कदम हमारे फूड प्रोसेसिंग माफ कीजिएगा तीन कदम हमारे फिशरीज़ के लिए और पशुपालन के लिए हैं ठीक है दोस्तों तो मत्स्य संपदा योजना एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या पशुपालन अवसरचना विकास कोष या फिर फुट एंड माउथ डिजीज जैसे कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम ठीक है दोस्तों अच्छा चलिए ऑलमोस्ट खत्म हो गया हमारा पार्ट यहाँ पर ये यह। इसमें कुछ ज्यादा काम करना नहीं बताया मैंने आपको ये पशुपालन अवसरचना विकास निधि ए आईच आई डी एफ ये बनाया गया दोस्तों हमारे यहाँ पर इनकी बात हम लोग करते रहेंगे समय समय पर मत्स्यन की बात करें दोस्तों फिशरीज की बात करें मैंने आपसे कहा यहां पर उत्पादन में हम लोग सेकंड नंबर पे हैं दुनिया में आफ्टर चाइना हम लोग सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों सेकंड पर हैं आफ्टर चाइना हम लोग ग्लोबल फिशरीज में मत्स्य उत्पादन में सेकंड नंबर पे हैं दोस्तों चाइना के बाद हम लोग यहां पर ठीक है इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहां कितना मछली पैदा हो रही हैं चौदह मिलियन टन थोड़ा याद रखिए काम आएगा दोस्तों ध्यान सुनिएगा इसकी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ भारत में कितनी मछली हम लोग पकड़ते हैं चौदह मिलियन टन के आसपास अपनी भाषा में कहा जाए सर एक सौ चालीस लाख टन के आसपास नए भारत का लक्ष्य है एक सौ पचास लाख टन करना था सर कब तक दो हज़ार बीस तक लगभग हमने टारगेट अचीव कर लिया सुन लीजिए दोस्तों क्योंकि दो हज़ार पंद्रह में 2015 में दोस्तों सुनिए आराम से 2015 में हमारे यहाँ उत्पादन था 100 लाख टन का हमने यहाँ पाँच साल की स्कीम लॉन्च की थी टारगेट रखा था 20 साल में या पाँच साल में 150 लाख टन पहुँचने का कहाँ पर आ गए हम लोग 140 के आसपास आ गए टारगेट नियरली अचीव हो गया नियरली अचीव हो गया तो हमने जो ब्लू रेवोल्यूशन टू लॉन्च की थी दो में पाँच साल का लक्ष्य सेट किया था दोस्तों सुन लीजिए आराम से लिखा भी होगा शायद इसमें कहीं मेरे ख्याल से वो बात अंतिम मेट दीजिए दोस्तों अंतिम मेट दीजिएगा मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इंग्लिश में लिखा होगा इसके बारे में कहीं इंग्लिश uh, में इसका नाम मुझे याद है हाँ ये रहा ठीक है सुन लीजिए फिफ्टीन सिक्सटी ऑफ फाइव ईयर पेड विद सेंट्रल फाइनेंशियल आउटले ठीक है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम लॉन्च की थी हमने ब्लू रेवोल्यूशन सी एस एस बी आर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया था पाँच सालों के लिए दो हज़ार पंद्रह सोलह में स्कीम का नाम क्या था सर बड़ा सा नाम आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है यहाँ से यहाँ तक इसको देख लीजिए और ऑर्डा कर दूँ ऑडा करता हूँ ऑर्डा करता हूँ ऑर्डा करता हूँ देख लीजिए इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्सिबल होलिस्टिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर पैराग्राफ नंबर सेवन पॉइंट टू एट देख लीजिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा आप हिंदी वाले में जाकर इस आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर क्या है सर स्कीम लॉन्च की खत्म खत्म हुई मार्च दो हजार बीस में खत्म हो गई सर पाँच साल की स्कीम थी सौ लाख टन से डेढ़ सौ लाख टन करना था कहाँ पर आ गए हम लोग चालीस के आसपास पहुँच गए वेल एंड गुड सर वेल एंड गुड अब हम क्या कर रहे हैं सर अब हम क्या कर रहे हैं सुन ली दोस्तों अब हमने नया फंड लॉन्च किया है स्कीम लॉन्च की है हमारा उद्देश्य क्या है अब उद्देश्य सर डेढ़ लाख टन है ना इसको उठा के ढाई लाख टन करना है जी हाँ अब हमारा जो लक्ष्य आया सुन लीजिए दोस्तों यहाँ पर अब हम जो लक्ष्य लेके आपके साथ चल रहे हैं फिशरीज़ में जो लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं सर वो कितना है देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखा है कहीं इसके अंदर ठीक है 220 ठीक है सुन ली दोस्तों लक्ष्य कितना लेके चल रहे हैं हम लोग अब कितना टारगेट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एम्स टू एनहेंस फिश प्रोडक्शन टू टू ट्वेंटी लाख मेट्रिक टन बाय टू जीरो टू फोर टू फाइव जी हाँ दो सौ बीस करना है जी हाँ सुन ली दोस्तों दो सौ बीस करना है दो हजार चौबीस पच्चीस तक इसका मायने क्या है सर समझाइए एक बार दो हजार चौबीस पच्चीस तक कितना करना है उत्पादन दो सौ बीस लाख टन अभी कितना होता है मान ली डेढ़ सौ के आसपास होता है यानी ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट एनहेंस करना है 2015 में 100 था फिफ्टी परसेंट एनहेंस किया पाँच साल में अब पाँच साल में अगले पाँच साल में फिर हमें एनहेंस करना है फिफ्टी परसेंट दो लाख टन का लक्ष्य सर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का याद रखिएगा ये सवाल नहीं पूछेगा मत्स्य संपदा पर वो बात करेगा आपसे किस बारे में दोस्तों मालूम है यूपीएससी पूछेगा सवाल आपसे यहाँ पर आकर इस योजना के बारे में पक्की बात है सवाल अठारह में आया था तो उसके बाद नहीं पूछा यूपीएससी ने यहाँ से सवाल निकाल सकता है ये बड़ी सी स्कीम पांच साल की लॉन्च की थी सफल रही अपने कार्यों में सफल रही अपने लक्ष्य में और हम लोग तैयार कर रहे हैं मत्स्य के लिए दोस्तों तो ये सब चीजें पढ़ने की डेटा याद करने का सर्वे के अंदर है काम की चीजें एग्जाम में आ सकती हैं दोस्तों फटाफट में क्लास को ओवरअप करूँगा रकम खत्म करेंगे क्लास को हम लोग दोस्तों कल कंटिन्यू करेंगे आपके साथ सॉल वाले टॉपिक से फिर हम लोग आएंगे टॉपिक सॉल्व वाले टॉपिक पर एग्रीकल्चर इस वीकेंड तक खत्म करने का प्रयास करेंगे पूरा हम लोग यहाँ पर होली के पहले खत्म कर लें हम लोग चाहते हैं इस इस, इस अपने अपने एग्रीकल्चर के पार्ट को फिर हम अपने फ्रेश ढंग से नए यूनिट पे चालू करेंगे अगले हफ्ते से दोस्तों ठीक है यहाँ रुकते हैं क्लास को मुलाकात करेंगे आपसे अब शाम को 7:45 पीएम पर चर्चा होगी आपके साथ दोस्तों हमारी कहाँ पर ऐप के ऊपर तब तक ले दीजिए आगे दोस्तों मिलता हूँ मैं थैंक यू शुक्रिया जय हिंद